सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे साथी श्री मुलायम सिंह जी यादव और आठ पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री मुलायम सिंह यादव एक लोकप्रिय जननेता एवं समाजवादी आंदोलन के अग्रणी प्रणेता थे। वे 7 कार्यकालों के लिए संसद सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा, उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोकसभा तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री मुलायम सिंह जी 3 कार्यकालों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री मुलायम सिंह यादव ने केंद्र में रक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाला। वे कई संसदीय समितियों के सभापति एवं सदस्य रहे। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्य भी रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रतिपक्ष के नेता पद पर भी कार्य किया। उनके सरल एवं स्वच्छ व्यक्तित्व के कारण उनकी लोकप्रियता सभी दलों में थी। एक अनुभवी राजनेता के रूप में इस सदन को सदैव उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। उनके निधन से देश में एक लोकप्रिय, अनुभवी एवं कार्यकुशल राजनेता को खो दिया है। श्री मुलायम सिंह यादव का निधन 82 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम में हुआ। जय सुंदरलाल तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सुंदरलाल का निधन जी का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 अगस्त 2022 को कोंडा गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। श्री देवी घोषाल पश्चिम बंगाल के बैरकपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री देवी घोषाल का निधन 87 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2022 को कलकत्ता में हुआ। श्री रूपचंद पाल पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाल प्राकलन समिति तथा सरकारी उपकरण समिति के सभापति रहे। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री रूपचंद पाल का निधन 85 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2022 को कोलकाता में हुआ। श्री गोविंद चंद्र नस्कर पश्चिम बंगाल के बनगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री नस्कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री नस्कर ने
चार कार्यकाल तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रूप में कार्य किया था और उन्हें पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, शिक्षा, सुंदरवन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गोविंद चंद नस्कर का निधन 81 वर्ष की आयु में 2 सितंबर 2022 को कलकत्ता में हुआ। श्री थान सिंह जाटव राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थान सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिक संबंधी समिति के सदस्य थे। थान सिंह जाटव का निधन 88 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2022 को जयपुर में हुआ। मानिक राव एच गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार बार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गावित ने 15वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया था। वे आचार समिति के सभापति भी रहे, वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री गावित ने गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री गावित ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री मानिक राव एच गावित का निधन 87 वर्ष की आयु में 17 सितंबर 2022 को नासिक में हुआ। श्रीमती जयंती पटनायक उड़ीसा के कटक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा तथा उड़ीसा के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती पटनायक प्राकलन समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, शहरी ग्रामीण विकास संबंधी समिति की सदस्य रही। वे 1996 से 98 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती जयंती पटनायक का निधन 90 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री जी कृष्णा आंध्र प्रदेश के एलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे एक लोकप्रिय अदाकार भी थे। सुपरस्टार के नाम से लोकप्रिय श्री जी कृष्णा ने 5 दशकों में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। श्री जी कृष्णा का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2022 को हैदराबाद में हुआ। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी तथा अपने पूर्व 8 साथियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा संतत परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिग्वंत आत्माओं के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।